वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का सलूशन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का और 4 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवन। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको टेबल सा बना देता हूं, उससे हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। ये आ गया सीरियल नंबर, ठीक है, और ये आ गया ट्रांजैक्शन, राइट गाइस, ये आ गया ट्रांजैक्शन, और उसके बाद क्या आएगा आपका इनफ्लो, किसकी वजह से पैसा आ रहा है, या आउटफ्लो, आउटफ्लो, और तीसरा नो फ्लो, नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ए में क्या है, एक एक करके मैं आपको समझाता चाहता हूँ। ए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी वैल्यू 1,00,000 है और प्रॉफिट 10,000 का हुआ है, पर कैश तो आया ना, सेल जब हम एसेट करेंगे तो इनफ्लो आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो इट इज इनफ्लो, इट इज ट्रीटेड एज इनफ्लो। उसके बाद बी ट्रांजेक्शन में क्या है, सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स होगा कैश का, तो ये भी क्या आ जाएगा इनफ्लो। तो बी में ये आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में क्या आएगा गाइस इनफ्लो। ठीक है, और अब सी में क्या आएगा, सी क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर। तो माइंड इट, ये डी है, इसमें कोई फ्लो नहीं हुआ, इसमें हमने क्या किया, डिबेंचर तो परचेज करे हैं, सॉरी लैंड परचेज करी है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या इशू किया है, डिबेंचर इशू किया, कोई पैसा हमारे हाथ से ना गया ना कोई आया है। ठीक है, ना परचेज करते वक्त कोई पैसा हमारे हाथ से गया, ना डिबेंचर इशू करते वक्त कोई पैसा हमारे पास आया, तो इसको हम क्या करेंगे, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर डिबेंचर। ठीक है, तो ये क्या आ गया नो फ्लो, सी के बाद डी। उसके बाद सॉरी, सी हमारा परचेज ऑफ मशीनरी था, सॉरी ये मेरे से गड़बड़ हो गया, एक क्या लिख लिया मैंने, परचेज ऑफ मशीनरी, सी में है परचेज ऑफ मशीनरी, तो परचेज ऑफ मशीनरी हमारा क्या चीज आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये वो जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट डी क्या है हमारे पास, अब डी ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर डिबेंचर्स, फॉर डिबेंचर्स, तो इसमें नो फ्लो आएगा। और उसके बाद ई क्या चीज है हमारे पास, इशू ऑफ फुली बोनस पेड शेयर्स, फुली पेड बोनस शेयर, ई में इशू ऑफ बोनस शेयर्स, और इसमें भी कोई कैश ट्रांजैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये किससे जाएगा, ये प्रॉफिट से बोनस जाता है ना, तो उसमें कैश की बजाय उन्होंने शेयर इशू कर दिए। और ई के बाद उनके पास क्या है, एफ, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो एफ में क्या है, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी किस में आएगा नो फ्लो, ये किस में आएगा नो फ्लो में, तो नो फ्लो में आएगा क्योंकि बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है, इसमें कोई ना कैश बढ़ रहा है ना कैश कम हो रहा है, ना आ रहा है ना जा रहा है। उसके बाद क्या आएगा आपका जी, जी में क्या चीज है आपका, वो कह रहा है जी में पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो पैसा गया आपके हाथ में एफ जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बोलो ना, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ठीक है गाइस, तो ये क्या आ गया आउटफ्लो, तो ये आपका आउटफ्लो आ जाएगा। तो गाइस, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आपका बेस क्लियर हो चुका है, अब हम इसके प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, मतलब हालांकि ये भी प्रैक्टिकल ही है, इसके बैक एक्सरसाइज है, तो प्रैक्टिकल्स का मेरा मतलब ये है कि अब हम फिगर्स को कैलकुलेट करने वाले, हाउ टू ड्राइव आउट द फिगर्स, हाउ टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश और फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग का। ठीक है जी, तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं एक बार उसको मिटा दूँ मेरे अच्छे तरह। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की एक
बार आप देखो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स बने हुए हैं, तो तीनों को मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हम इसको कैसे अटेंड करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं अब इस पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ के शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो गाइस इसमें सबसे पहले क्या लिखा, ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश एंड कैश एंड स्टेटस ऑफ नेचर ऑफ कैश फ्लो वेदर इट्स ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एक तो हमें पहले बताना है कि कैलकुलेट करना है कि रिजल्टिंग कैश क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसकी एक्टिविटी भी बतानी है। तो यदि मैं ए की बात करूं तो ए में वो क्या कह रहा है, ए में वो क्या कह रहा है, एक्वायर्ड अ मशीनरी ऑफ फॉर 250,000 by paying 20% by check and executing a bond for the balance. तो जो बॉन्ड आपने दिया है उसकी तो कोई एंट्री नहीं आएगी, बट आपने सिर्फ पेमेंट करी है, एक मशीनरी एक्वायर करी और 20% पेमेंट करी है, तो पेमेंट कितने की हुई है, पेमेंट ऑफ 20%, तो इसका मतलब 250,000 है ना, हाँ 250,000, तो इसको हम क्या करेंगे, 250,000 का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 20%, तो ये क्या आ जाएगा, 50,000। ओके, तो हमारा जो नेट आउटफ्लो आया है या आउटफ्लो क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो ऑफ कैश, और किससे रिलेटेड है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिकॉज जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं वो किससे रिलेटेड होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस, ये आ गया ए, और अब ये बी आ गया, बी में क्या है, पेड रुपीज 2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स इन द शेयर्स इन इन्फो इन्फोर्मा टेक लिमिटेड एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 50,000 आफ्टर एक्विजिशन। हमने पहली बार क्या किया, हमने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, पेड 2,50,000 उसके लिए, ओके, और साथ में हमें 50,000 की इनकम मिली है, ओके, तो ये भी हमारे लिए एसेट बनेगी क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो एसेट है तो ये 21 में जाएगा, अगेन इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, पेड फॉर शेयर्स, ठीक है ना, पेड फॉर शेयर्स, तो शेयर्स के लिए कितना पैसा खर्च किया आपने, पेमेंट हुई है ना 2,50,000 की, तो ये कितने की पेमेंट आएगी, 2,50,000 की आपकी पेमेंट आ गई, ये आ गया आउटफ्लो, ये क्या आ जाएगा, आउटफ्लो, और इसमें ऐड क्या कर देंगे आप, इसको आपको डिविडेंड मिला है, डिविडेंड रसीद, डिविडेंड रसीद कितना हुआ आपका, ठीक है, डिविडेंड रसीद हुआ आपका 50,000 का, ठीक है, तो ये क्या आ गया, इनफ्लो, डिविडेंड कितना आ गया आपका 50,000 का, और ये आपका नेट जो कैश फ्लो है वो आउटफ्लो ही होगा, नेट आउटफ्लो 2,00,000 का, नेट आउटफ्लो कितना आया गाइस, 2,00,000 का, और वो भी क्या किसके अंदर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, गाइस वो भी किसके आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर आएगा, ठीक है, और उसके बाद सी, सी में क्या आएगा, सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,00,000 विद एन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 60,000 फॉर 60,000 की बिक्री है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 1,60,000 की, और वो बिक्री कितने की है, 60,000 की, तो अल्टीमेटली जो कैश फ्लो हुआ है वो 60,000 का ही हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, ठीक है, तो उसके लिए ये आ गया आपका 60,000 का इनफ्लो, 60,000 का क्या आएगा, इनफ्लो, ठीक है, और अगेन वो भी किसके अंदर कवर होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, वो भी किसके अंदर कवर होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, तो गाइस ये रहा आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, ये नेट तीनों का आंसर मिलाइए, एक तो तीनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, तो पहले में 50,000 आउटफ्लो ऑफ कैश आ रहा है, दूसरे में 2,00,000 आपका आउटफ्लो ऑफ कैश आ रहा है नेट, और तीसरे में 60,000 का आपका इनफ्लो ऑफ कैश आ रहा है, ठीक है जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ, ओके जी, गुड लक।